दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे आई होप। तो गाइस, आज हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। हमने जो एक पोएम पढ़ी थी ना, ऑन द रिसीट ऑफ अ मदर्स पिक्चर, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये मैंने एक सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कंप्लीट आंसर नहीं है। मैंने शॉर्ट में एक आइडिया देने के लिए आपको कि भाई क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऐसा लिखा जा सकता है इस पोएम का, तो सिर्फ एक सिंपल वे में, और इसमें आप बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने एक सिंपल वे में प्रेजेंट किया है, तो आपके लिए एक नमूना है। तो आप ये देखिए कि मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से मैंने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। तो आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जैसे ये पोएम किसने लिखी है, ये विलियम कूपर ने लिखी है ना। बाकी ये ट्रांजिशनल पोइट थे, और साथ में इनको जो फोटो मिली इनकी मदर की 52 ईयर्स के बाद में मिली, जो कि इनको उनकी कजन मिसिज एन बॉथम ने दी थी। और पोएट इनको देख के नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, मतलब उनको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं उनकी उनकी मदर की। तो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को एक्सप्लेन करते हैं एक तरीके से इस पोएम में, कि हाँ कि मेरी माँ कैसी थी, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज को एक्सप्लेन करते हैं, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। और उनके लिए तो वो पिक्चर क्या थी, एक गेस्ट के समान थी, एकदम वेलकम गेस्ट की तरह। तो एक ओवरऑल जो पोएम है उसमें एक पिक्चर के थ्रू क्या दिखाने की कोशिश की कि जो आर्ट है वो इमॉर्टल रहती है। आर्ट क्या रहती है? इमॉर्टल रहती है, आर्ट कभी मरती नहीं है। तो समय सब चीज़ों को नष्ट कर देता है, पर आर्ट को नष्ट नहीं कर सकता है। तो एक ये बहुत बड़ा, मतलब इसकी थीम थी, आप ये मान सकते हो कि ये थीम थी, और यही सेंट्रल आइडिया भी थी। सेंट्रल आइडिया में जो हम देखेंगे, तो इसका मेन आइडिया ही पोएम का ये है कि इमॉर्टलिटी ऑफ आर्ट, यानी आर्ट की इमॉर्टलिटी, यानी आर्ट अमर रहती है, आर्ट कभी मरती नहीं। और यह स्टैंड करती है किसके सामने? टाइम की वेगरीज के सामने, मतलब टाइम की जो थपेड़े होते हैं ना, उनको भी ये झेल जाती है। मतलब आर्ट सालों साल तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक जिंदा रहती है। तो वो एक तरीके से जो आर्ट का सब्जेक्ट होता है ना, जिस सब्जेक्ट पर वो आर्ट है, उसको एक तरह से अमर कर देती है। जैसे इधर सब्जेक्ट क्या थी? पेंटिंग, एक पिक्चर है एक्चुअली। तो इसकी मतलब जो राइटर की मदर है वो एक तरह से अमर हो गई उस पेंटिंग के थ्रू। तो ये सेंट्रल आइडिया पोएम का यही है, क्या? इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट। और थीम्स में भी आएगा ये कि आर्ट की इमोर्टलिटी है, माँ का प्यार है, लव ऑफ मदर। बिल्कुल, लव मतलब किस तरह से उनकी माँ उनसे प्रेम करती थी जब वो छोटे थे। एक एक मोमेंट उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि वो किस तरह वो खाने को चीज़ देती थी, रात में कैसे केयर करती थी, देखने आती थी कि बेटा सही तरह सो रहा है कि नहीं सो रहा है, कुछ समस्या तो नहीं है, तैयार करती थी सुबह, उसे बहुत लाड प्यार करती थी। तो वो सब मदर का जो लव है ना, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर एक थीम है लाइफ की अप्स एंड डाउन्स की। यस, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मतलब लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। तो उसी तरह से ये पोएम रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि पोएट के बुरे दिन स्टार्ट हो गए उनकी मदर के मरने के बाद में। तो जब तक तो मदर थी, तो उनके लिए वो लाइफ में अप्स था, मतलब अच्छे दिन चल रहे थे, उसके बाद में डाउन ही डाउन चल रहा है। तो वो ये बता रहे हैं कि मुझे जिंदगी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा मैंने तूफानों को झेला जिंदगी के। तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स एक तरह से पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ होते हैं, और हर किसी की जिंदगी में होते हैं। तो ये भी एक थीम है इस पोएम की। फिर है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिक थीम है भाई। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को याद करना, ऐसी मतलब स्टेट में चले जाना, ऐसी अवस्था में चले जाना कि पुरानी चीज़ों को आप याद करो। तो नॉस्टैल्जिया की थीम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि पिक्चर को देख के अपनी मदर की सारे, मतलब जो बचपन की अपनी यादें हैं ना, वो पूरी ताज़ा हो जाती हैं राइटर की। वो अपने बचपन की सारी यादें, अपनी मदर के साथ में कैसे टाइम व्यतीत किया, कैसे उस घर में रहते थे, क्या हुआ क्या नहीं, कैसे मदर की डेथ हुई, उसके बाद में क्या हुआ इनके साथ में, कैसे लाइफ गुजरी। तो कुल मिला के पूरा नॉस्टैल्जिक पोएम थी। नॉस्टैल्जिया की थीम बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट की गई है ना। अब देखो, पांचवी हम मान सकते हैं कि ट्रांजिटरी नेचर, किस चीज़ का? वर्ल्डली बिलोंगिंग्स, यानी इस सांसारिक जीवन में आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, चाहे घर, दौलत या रिश्तेदारी, जो भी है, वो सब क्या है? ट्रांजिटरी है, वो थोड़े टाइम के लिए है, सब क्षण भंग, मतलब भंग हो जानी है, मतलब सब नष्ट हो जानी है, सब छोड़ के चले जाने हैं। तो वही चीज़ राइटर के साथ होती है, मदर छोड़ के चली जाती है, वो घर छूट जाता है, उस टाइम के लोग सब भूल जाते हैं इनको, वहाँ पर जहाँ पर राइटर रहा करता था वहाँ कोई नहीं जानता अब इनको। तो एक तरीके से ये हो गई थीम्स, इम्पोर्टेंट पर थीम्स कौन सी हैं। इसमें से सबसे स्ट्रांग जो थीम है वो इमॉर्टेलिटी ऑफ आर्ट है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम आगे, इमेजरी। इमेजरी तो भाई बहुत ही स्ट्रांग है इस पोएम में। आप इमेजरी देखोगे, शिट, इमेजरी देखोगे तो राइटर हैज़ यूज मैनी ब्यूटी, बहुत सी इमेजेस इस्तेमाल किए राइटर ने अपने, मतलब मार्मिक थॉट्स को आप तक पहुंचाने के लिए। जैसे देखो, पहली इमेज जो बहुत अच्छी इमेज निकल के आती है, वो गेस्ट की आती है, जब वो बोलता है ओ वेलकम गेस्ट दो अनएक्सपेक्टेड, एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की तरह आई है वो पिक्चर उनके लिए। तो वो जो पिक्चर है वो एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट है, जो ये गेस्ट की इमेज है ना, बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी इमेज है। फिर आप देखोगे कि आगे उन्होंने इमेज क्रिएट करी है रिवर की, इमेज ऑफ रिवर की, एक रिवर बहती है, तो किस तरह से कैटरैक्ट्स और ब्रेक्स आते हैं, परंतु वो उनसे
मतलब परेशान नहीं होती, वो बहती रहती है। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने, मतलब इस चीज़ को दिखाया एक तरीके से राइटर ने, क्योंकि जो मदर थी उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि उनके बिहेवियर कभी भी कैटरेक्ट्स एंड ब्रेक्स, जैसे रिवर में जो छोटे छोटे झरने आते हैं या फिर जो पत्थर चट्टाने रुकावटें बनती हैं, वो कभी भी रिवर को परेशान नहीं करते। इस तरह से उनकी मदर भी कभी भी इरिटेटेड नहीं होती थी जिंदगी की समस्याओं से, और इस वजह से वो हमेशा मतलब अपने बेटे की तरफ से बहुत लाड़ प्यार करती थी। कभी भी वो उसकी किसी भी एक्टिविटी से परेशान नहीं होती थी, क्योंकि उनका मूड ही हमेशा अच्छा रहता था उनकी मदर का। वो कभी भी लाइफ की चीज़ों की या लाइफ की परेशानियों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देती थी। तो जो रिवर थे, इमेज की मतलब जो इमेज ऑफ रिवर है ना, रिवर की इमेज है ये, बहुत अच्छी इमेज है ये। देखो इमेज ऑफ रिवर हो गया, एक गेस्ट की इमेज हो गई वेलकम गेस्ट ना, और एक इमेज आप मान सकते हो काफी अच्छी इमेज है, बहुत ही बढ़िया इमेज है, वो है बोट की, जिंदगी की जो तस्वीर है ना पूरी, ब्यूटीफुल इमेज ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी को किससे कंपेयर किया गया है, एक बोट की जर्नी से, कि जो राइटर है ना उनकी मदर है उनके लाइफ को किस तरह से कंपेयर किया गया, कि जैसे एक नाव ने समुद्र पार किया है, एक तूफानी भरा समुद्र पार किया और वो दूसरी तरफ किनारे पहुंच गई है सुरक्षित। तो उसी तरह की इमेज, एक बहुत अच्छी इमेज निकली है जिसमें अपनी मदर की सफर को और उनकी फिर स्वर्ग में पहुंचने को, मरने के बाद मतलब जहां भी चली गई दूसरी दुनिया में, वहां तक पहुंचने को उन्होंने एक नाव की सवारी, एक नाव की जर्नी, एक बोट की जर्नी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छी इमेज है, तो ये वाली इमेज हो गई। तो इमेजरी तीन बहुत स्ट्रांग इमेजरी है अपनी, तो आई होप ये तीनों आपको मतलब ये आपको इमेज पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में, फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफाई किया गया सबसे पहले टाइम को, स्टार्टिंग में भी किया गया और एंड में भी किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब व्यक्तिकरण, आप किसी मानवीकरण, किसी निर्जीव चीज को एक तरह से मनुष्य की तरह ट्रीट करते हैं ना, वो निर्जीव चीज हो या फिर किसी कह सकते हैं कि इवन जानवर को भी। हेलेनिज्म, हेलेनिज्म का मतलब क्या होता है, हेलेनिज्म का मतलब होता है कि ग्रीक माइथोलॉजी से उठा के कोई चीज निकाली गई हो। तो इसमें एक जगह ऐसा लाइन आती है कि जो एल्सियन रेवरी, यानी जो एल्सियन, एल्सियम एक जगह है एक्चुअली, कहाँ पे है एल्सियम, एक्चुअली एक ऐसी जगह मान जाती है जहाँ पर इंसान मतलब बहुत खुश रहता है, कोई दुख नहीं है उसको, मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं उसको। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी में एल्सियम एक बहुत ही प्रसन्नता वाली जगह है जहाँ पर मरने के बाद इंसान जाता है एक तरीके से, तो वही है, उसको एक तरह से ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया। तो इसे हेलेनिज्म बोलते हैं, हेलेनिस्टिक फीचर है ये पोएम में हेलेनिज्म का। सिमिली, सिमिली क्या है, सिमिली एल्बियन कोस्ट, वही नाव वाली, कि उसकी मदर को एक नाव से कंपेयर किया गया है, मतलब उसकी मदर को वैसे ट्रीट किया गया है जैसे एक नाव अपनी जर्नी कर रही है एक तूफान भरे समुद्र को क्रॉस करते हुए, है ना, उसी तरह से। तो ये सिमिली हो गई, तो फिगर ऑफ स्पीच में ये तीन हो गए, और भी हो सकते हैं, मैंने मोटे मोटे तीन आपको बताए हैं। ऑटोबायोग्राफिकल, बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट तो पूरा है ही, कोई पोएम ही ऑटोबायोग्राफिकल है, मदर के ऊपर है और खुद के ऊपर है, तो अपनी खुद की जीवनी के ऊपर है। राइम स्कीम एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है नहीं पोएम का, ढांचे मतलब स्टेंजा कोई फिक्स लाइंस का नहीं है, मतलब अलग अलग, कोई स्टेंजा बड़ा है कोई छोटा है उस तरह से है, तो स्ट्रक्चर अनसर्टेन है। राइम स्कीम आप AABBCCDD इस अकॉर्डिंग है। तो ये अपनी बेसिक आउटलाइन थी एक्चुअली किसकी, पूरी क्रिटिकल अप्रेशन इस पोएम का। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें और भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं क्रिटिकल एप्रिशन में, आपको किसी राइटर, दूसरे किसी राइटर के व्यूज हो इस पोइम के ऊपर तो आप वो व्यूज डाल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के पास कोई व्यूज है, किसी दूसरे क्रिटिक्स ने कुछ बोला है ना, तो वो डाल सकते हो। मैंने तो सिर्फ एक बहुत सिंपल वे में एक बेसिक ढांचा दिया है आपको, आप इसमें बहुत चीजें ऐड कर सकते हो, इससे सिर्फ सीमित मत रहना कि सर ने बता दी यही फाइनल आंसर है, नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक आंसर है, आप इसमें बहुत कुछ एक्सटेंड कर सकते हो, बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप व्यूज लिख सकते हो। बहुत सी बुक्स के व्यूज होते हैं, क्रिटिक्स के व्यूज होते हैं, अलग अलग व्यूज मतलब मैगजीन्स के व्यूज होते हैं, वो सब इंक्लूड कर सकते हो इन पॉइंट्स में, तो उससे आपका आंसर और भी ज्यादा कह सकते हैं कि रिच हो जाएगा, आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये अपना लेक्चर पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी, क्रिटिकल एप्रिशन वगैरह। मैं इस बेसिक क्रिटिकल एप्रिशन की आपको PDF का लिंक डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके ये बेसिक जो है PDF डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक गुड बाय, सी यू सून।